नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर्स के बारे में। अभी फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर जो है, ये एक मैकेनिज्म है कि कैसे इंजन जो होता है उसके सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो जाएगा। वो जो मैकेनिज्म होता है उसमें दो तरीके होते हैं, एक कार्बोरेटर मैकेनिज्म होता है, एक फ्यूल इंजेक्टर मैकेनिज्म होता है। ये दोनों अलग अलग मैकेनिज्म जो है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे मोस्टली जिन लोगों को इनके बीच में कन्फ्यूजन्स है, वो या तो मतलब बाइक्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन उनका कि उन्होंने कोई ऐसी बाइक देखी होगी जिसमें दो वेरिएंट आते हैं, कार्बोरेटेड वेरिएंट, फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट, तो उनको वहां से आ रहा होगा सिस्टम की आखिर है क्या ये डिफरेंस, आखिर जो है क्या मतलब क्या है इसका, कौन सा बेटर है और किसमें क्या डीमेरिट्स या मेरिट्स हैं, उन सब चीज़ों की हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर जो है ये मोस्टली पेट्रोल इंजन के लिए होते हैं। आज के वक्त तो ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के लिए होते हैं, डीजल इंजन में इनका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि डीजल इंजन जो है कार्बोरेटर बेस पे नहीं चलता है। ठीक है, अभी डीजल इंजन ऐसा नहीं है कि कभी भी कार्बोरेटर वाले डीजल इंजन देखे ही नहीं हमने, रहे होंगे, मैंने तो नहीं देखे, रहे होंगे मतलब जो अब खराब हो गए होंगे या किसी कलेक्टर के पास पड़े होंगे, या कलेक्टर्स मतलब जो उसे कलेक्ट करते हैं उन कलेक्टर्स के पास पड़े होंगे या म्यूजियम में पड़े होंगे, तो वैसे हो सकते हैं। बाकी डीजल कार्बोरेटर वाले मैंने तो कभी नहीं देखे। और फ्यूल इंजेक्शन गैसोलीन में ही होते हैं सिर्फ, यानी कि पेट्रोल में ही होते हैं सिर्फ, कार्स में भी ये अब मोस्टली कार्बोरेटर्स खत्म हो गए, कार्स में नहीं आते हैं। लास्ट कार जो कार्बोरेटेड मैंने चलाई थी वो मारुति 800 थी, पहले वाली जो कार्बोरेटेड आती थी। उसके बाद मुझे नहीं याद मैंने कोई कार्बोरेटेड वाली कार चलाई है क्या। आखिर सब आजकल कार फ्यूल इंजेक्शन वाले सिस्टम वाली ही आती है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन वाली। अभी फ्यूल इंजेक्शन जो है वो क्यों बेटर है और क्यों बेटर नहीं है वो सब बात करते हैं। पहले कार्बोरेटर की बात करते हैं क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो कार्बोरेटर में क्या होता था कि वही अपने आप ही सब कुछ होता था, थ्रॉटल इनपुट जो है उस हिसाब से ही ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड एयर फ्यूल रेशियो जो सेट किया होता था, उतनी एयर और फ्यूल जो है वो गाड़ी के इंजन के सिलेंडर में जाता था और फिर वो आगे की प्रोसेस होती, मतलब एक फिक्स चीज़ थी। इसका फायदा क्या था, एक तो कार्बोरेटर सस्ते आते थे, बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म था, अगर वो खराब हो जाए तो आप बैठ के उसे साफ कर सकते हो अकेले मतलब, और उसके बाद में इजी इंस्टॉलेशन है, नया भी लगाना है तो इजी इंस्टॉलेशन है, कुछ नहीं करना। उसके बाद में सस्ता आता था, वो वाली चीज़ भी थी। और कार्बोरेटर्स जो है उसकी अगर ट्यूनिंग भी बदलनी होती थी आपको तो बड़ा इजी होता था। आपको पता होगा कि कई ऐसी बाइक्स आती है कि हम लोग बोलते हैं यार माइलेज कम दे दी है, माइलेज बढ़ा दो इसका, माइलेज कम कर दो इसका, तो वो कार्बोरेटर के साथ में छेड़छाड़ करके वो चीज़ की जा सकती थी। अभी क्या हुआ, ये चीज़ तो थी, फिर फ्यूल इंजेक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी, फिर क्या हुआ, कार्स आनी शुरू हुई। कार्स में क्या होता था, मोर देन वन सिलेंडर होता था, ठीक है, तीन चार सिलेंडर होते थे। अभी हर सिलेंडर में किस सिलेंडर में कितने एयर फ्यूल रेशियो की रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं होती हर सिलेंडर के लिए, तो कार्बोरेटर तो सेम ही भेजेगा क्योंकि उसको वो वेरी कर ही नहीं सकता, तो वहाँ प्रॉब्लम आने लगी। प्लस कार्बोरेटर जो है वो एमिशंस के हिसाब से मतलब वो पिछड़ा हो गया। अभी मैं आगे बात करूंगा फ्यूल इंजेक्शन के वक्त में कैसे एमिशंस जो है वो कंट्रोल होते हैं, तो कार्बोरेटर्स जो है उनके लिए डीमेरिट्स आने लगी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन दे नहीं सकते थे, अलग अलग सिलेंडर को अलग अलग नहीं दे पा रहे थे, वो जो है मतलब एयर फ्यूल रेशियो वेरी नहीं कर सकते थे, कभी आप ठंड में चला रहे हो, कभी आप गर्मी में चला रहे हो, आपको वेरी करना, तो वो नहीं कर पा रहे थे। फ्यूल आए, फिर आए फ्यूल इंजेक्शन, ये 90s के आसपास ये टेक्नोलॉजीज बढ़ने लगी, 80s 90s के आसपास, 1980 1990 के आसपास फ्यूल इंजेक्शन जो है वो बढ़ने लगी। अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि लगभग सभी कारों में फ्यूल इंजेक्टेड कार ही आती है, कार्बोरेटर वाले कम आती है। हालांकि कार्बोरेटर के अभी भी कुछ एंथुजियास्ट है जो कार्बोरेटर प्रेफर करते हैं, बाकी अब सब लोग फ्यूल इंजेक्शन पे ही प्रेफरेंस देते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सबसे पहले थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसलिए वो अभी भी कार्बोरेटर के मुकाबले, आपने देखा होगा आमतौर पे जो महंगी बाइक्स है वो फ्यूल इंजेक्टेड आती है, जो सस्ती बाइक है वो कार्बोरेटर आती है, तो कार्बोरेटर अभी भी सस्ता पड़ता है, फ्यूल इंजेक्शन महंगा पड़ता है। प्लस ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, अगर आपका खराब हो जाए तो आपको नया ही रखना पड़ता है। उसके बाद में फ्यूल इंजेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल बेस पे काम करते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो वो वाली चीज़ और आ गई, प्रॉपर मैकेनिकल चीज़ नहीं है, वो ओल्ड स्कूल चीज़ नहीं है। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स अलग अलग सिलेंडर है, अलग अलग सिलेंडर को अलग अलग तरीके से वो फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो दे सकता है। दूसरी चीज, आपके गाड़ी किस टेम्परेचर पे है, किस टेम्परेचर पे चल रही है, क्या स्पीड पे चल रही है वगैरह वगैरह के हिसाब से वो मतलब सेटिंग्स उसकी बदलती रहती है रियल टाइम। उसको अभी लगता है कि अभी फ्यूल कम दो तो फ्यूल कम देता है, अभी लगता है अभी फ्यूल ज़्यादा दो तो ज़्यादा देता है, एयर कम दो मिक्सचर ऐसा बनाओ, लीन बनाओ, रिच बनाओ, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक इंजेक्टेड थिंग कर सकती है, कार्बोरेटर नहीं कर सकता है। तो ये सिस्टम, ये बदलाव आ गया। फिर
पावर बढ़ती है, फ्यूल इंजेक्टेड जो है इंजन जो होते हैं वो ज़्यादा पावर देते हैं कार्बोरेटर के मुकाबले, हालांकि उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, फिर भी फर्क तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और चीज़ जो है इमिशंस कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है कि भैया आपको इमिशंस के लिए एक प्रॉपर माइलेज ही होगा। आप सोचोगे कि यार ज़्यादा परफॉर्मेंस भी खराब ना हो और माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाए, उस हिसाब से हमें जो है एक लेवल पे सेट करना होगा ईसीयू को कि भाई तू इतना ही फ्यूल देना, इतनी एयर देना इंजन में, उस हिसाब से जो है इमिशंस यानी कि पॉल्यूशन जो है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए पॉल्यूशन आजकल बड़ा कॉज है, इसलिए जितनी भी ये जो इमिशंस नॉर्म्स मीट करने वाली गाड़ियां होती है सब फ्यूल इंजेक्टेड होती है। कार्बोरेटर सिर्फ बाइक्स ही रह गई है, वो भी सस्ती पड़ती इसलिए रह गई। आजकल तो 1 लाख के कम वाली बाइक में भी फ्यूल इंजेक्टेड वेरियंट्स आने लगे हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप देखोगे कार्बोरेटर ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन जो है वही मार्केट में प्रोमिनेंट जगह ले लेगा। किसी के कोई नुकसान, किसी का कोई फायदा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस हिसाब से दोनों मैकेनिज्म परफेक्टली काम करते हैं, किसी का भी कोई नुकसान फायदा नहीं है ऐसा मेजर जो कि आपको लेने वक्त सोचना पड़े। जो आपको मिल रहा है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्यूल इंजेक्टेड और कार्बोरेटर वाली वीडियो जो है पसंद आई होगी, इसका डिफरेंस जो है समझ आया होगा। पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।